हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध मध्य प्रदेश से है। तो मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो है वो भोपाल और इंदौर में इंप्लीमेंट करने वाली है। आई होप आप में से कुछ लोग जानते होंगे इस पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में। अगर आप नहीं जानते हैं तो विस्तार से हम समझेंगे। आप सभी ने सुना होगा कि कुछ जगह पे पुलिस अधिकारी को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP कहा जाता है और कई जगह पे इनको कमिश्नर ऑफ पुलिस कहा जाता है। तो ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है इसके बीच में डिफरेंस है। एक होता है कमिश्नरेट सिस्टम और दूसरा है ड्यूल पावर सिस्टम। तो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा रहा है भोपाल और इंदौर में। इस पूरे के पूरे आर्टिकल को हम लोग विस्तार से यहाँ पे समझने वाले हैं। अगर आप मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेस स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल। कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। मध्य प्रदेश विल इंप्लीमेंट पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इन भोपाल एंड इंदौर। तो मध्य प्रदेश में जल्द ही भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इंप्लीमेंट होने वाला है। एज पर द अथॉरिटीज द मूव विल बेनिफिट सिक्योरिटी फोर्सेस बेटर मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन टू सिटीज। तो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो है अब वो इंप्लीमेंट किया जाएगा इंदौर और भोपाल में। और अथॉरिटीज का मानना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा मानना है कि इससे दोनों ही शहरों में, भोपाल और इंदौर दोनों ही शहरों में जो कानून व्यवस्था है उसको बेहतर ढंग से बनाए रखने में मदद मिलेगी। और इसी विषय पे बात की गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी। तो 56th DGP एंड IGP कॉन्फ्रेंस, तो जो पुलिस महानिदेशक और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनकी एक कॉन्फ्रेंस को, 56वीं DGP और IGP कॉन्फ्रेंस को नवंबर 2021 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी एड्रेस कर रहे थे, तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात पे बल दिया था कि देश के सारे शहर जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है वहां पर कमिश्नर प्रणाली या कमिश्नरेट सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। और उसी दिशा में अब मध्य प्रदेश सरकार ये कदम उठाने वाली है। तो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यहां पर हमको समझना होगा होता क्या है ये पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। तो अगर हम पुलिसिंग सिस्टम की बात करें तो दो सिस्टम्स हैं। एक है ड्यूअल कमांड सिस्टम जो कि ब्रिटिश एरा से चला आ रहा है और दूसरा है कमिश्नरेट सिस्टम। ड्यूअल कमांड सिस्टम, यहां पर जो पुलिस के अध्यक्ष होते हैं जिला में उनको SP या SSP के नाम से जाना जाता है, और कमिश्नरेट सिस्टम में जो अध्यक्ष है, जो हेड है पुलिस के, वो कहलाते हैं कमिश्नर। तो ये दोनों सिस्टम्स हैं जिनके माध्यम से पुलिसिंग जो है वो होती है। पहले समझते हैं ये ड्यूअल कमांड सिस्टम क्या है, दोहरी कमान प्रणाली। अंडर द ड्यूअल कमांड सिस्टम, ड्यूअल कमांड से आप समझ पा रहे होंगे कि कमांड जो है, निर्देश जो है वो दो जगह से आएंगे। ड्यूअल कमांड होगी तो नॉर्मल ऑलमोस्ट सभी जिलों में ड्यूअल कमांड सिस्टम चलता है। ड्यूअल कमांड किसकी है, एक कमांड आती है SSP साहब की या SP साहब की, तो दूसरी कमांड आती है DM साहब की, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की या डिप्टी कमिश्नर साहब की। तो DM साहब और SP साहब मिल करके पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो शेयर करते हैं, इसको ड्यूअल कमांड सिस्टम कहा जाता है। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शेयर द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है, वहां पर ड्यूअल कमांड सिस्टम है। एक कमांड के लिए है DM साहब और साथ है SP साहब, तो जहां दोनों मिलकर के पावर शेयर करते हैं वो ड्यूअल कमांड सिस्टम कहलाता है। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो DM साहब है इज इंटरेस्टेड विद इशूइंग अरेस्ट वारंट्स लाइसेंसेज। कोई अरेस्ट वारंट इश्यू करना है, लाइसेंस इश्यू करना है, तो इसकी अधिकार किसके पास है, किसी को अरेस्ट करना है या किसके लिए कोई वारंट इश्यू करना है, कोई लाइसेंस इश्यू करना है, चाहे आर्म्स लाइसेंस हो या कोई भी लाइसेंस, तो उसकी शक्तियां, उसकी पावर्स DM साहब के पास होती हैं। वेयर एज किसी मसले पर, किसी क्राइम को, किसी अपराध में जांच करनी हो, इन्वेस्टिगेशन करना हो या किसी को अरेस्ट करना हो, तो वो अथॉरिटी SP साहब के पास होती है। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की दो सिचुएशंस में जितनी भी पावर्स आती हैं, कुछ DM साहब के पास है, कुछ है SP साहब के पास। इस वजह से इसको ड्यूअल पावर सिस्टम कहा जाता है, ड्यूअल कमांड सिस्टम कहा जाता है। द सिस्टम इज डिजाइन टू इंश्योर लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ पावर। इस सिस्टम को इस वजह से बनाया गया था, ब्रिटिश काल में इस सिस्टम को शुरू किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो। अगर सारी की सारी पावर सिर्फ DM साहब को या सिर्फ SP साहब को दे दी जाएगी तो एक व्यक्ति के पास बहुत सारी पावर्स आ जाएंगी और कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स हो सकता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स ना हो, शक्ति की कम एकाग्रता हो, और साथ ही साथ जो SP है, जो पुलिस है, वो अकाउंटेबल हो DM के।
तो पुलिस अधिकारी जो हैं वो डीएम साहब के प्रति जवाबदेह हों, इस वजह से ये ड्यूअल कमांड सिस्टम चला आ रहा है, ये ड्यूअल कमांड सिस्टम इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन अब कुछ शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम चलाया गया है, इतना समझ लीजिए जहां पे ड्यूअल कमांड सिस्टम है वहां पे एसपी साहब होंगे, अगर उसी जगह पे कमिश्नरेट सिस्टम आता है तो वहां पर पुलिस के डिस्ट्रिक्ट हेड जो होंगे वो कमिश्नर साहब होंगे। अंडर द पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम द पावर्स ऑफ बोथ पोलिसिंग एंड मैजिस्ट्रेसी आर कंसंट्रेटेड विद द कमिश्नर। यहां पर क्या है, सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, मैजिस्ट्रेसी की पावर्स भी और पोलिसिंग की पावर्स भी दोनों ही जो है वो कमिश्नर साहब के पास है, हु इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट पुलिस चीफ। अब कमिश्नर साहब जो है वो डीएम साहब को अकाउंटेबल नहीं होते हैं, कमिश्नर साहब जो है वो डायरेक्टली अकाउंटेबल होंगे या तो राज्य सरकार को या फिर जो पुलिस के महानिदेशक हैं, जो डीजीपी हैं, जो स्टेट के पुलिस चीफ हैं, उनको जवाब दे होंगे, उनको आंसरेबल होंगे कमिश्नर साहब। ये होता है कमिश्नरेट सिस्टम में। द कमिश्नर ऑफ पुलिस अंडर कमिश्नरेट सिस्टम एक्सरसाइजेज द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ड्यूअल कमांड सिस्टम में जो अधिकार जो शक्तियां डीएम साहब के पास है उन्हीं शक्तियों को इस्तेमाल में लाते हैं पुलिस कमिश्नर साहब कमिश्नरेट सिस्टम में। दीज पावर्स आर ऑल्सो अवेलेबल टू एनी अदर ऑफिसर अंडर द कमिश्नर बट नॉट ऑफ द रैंक बिलो टू असिस्टेंट कमिश्नर। अगर कमिश्नर साहब की मौजूदगी नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में ये सारी की सारी शक्तियां किसी दूसरे अधिकारी को भी मिल सकती हैं जो कमिश्नर साहब के अंडर काम करते हैं, लेकिन उनका मिनिमम रैंक जो है वो एसीपी का, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का होना चाहिए, यानी कि एक सीनियर स्टेट पुलिस ऑफिसर या फिर आईपीएस काडर के ही ऑफिसर को ये पावर्स कमिश्नर साहब के बाद दी जा सकती हैं। दिस असेंशियली मींस, अब मैजिस्ट्रेट पावर्स के अंदर क्या आता है, दिस असेंशियली मींस दैट पुलिस कमिश्नर नाउ हैज द पावर्स ऑफ प्रिवेंटिव अरेस्ट। किसी को प्रिवेंटिव अरेस्ट करना हो, निवारक गिरफ्तारी किसी की करनी है, पहले ड्यूअल कमांड सिस्टम में इसकी अथॉरिटी, इसकी परमिशन डीएम साहब देते हैं, लेकिन कमिश्नरेट सिस्टम में प्रिवेंटिव अरेस्ट के लिए जो पावर्स है वो कमिश्नर साहब के पास है। सेक्शन 144, धारा 144 लगानी है, सेक्शन 144 को अगर इंपोज करना है तो उसके लिए भी अब डीएम साहब की परमिशन नहीं बल्कि कमिश्नर साहब के पास ही वो पावर्स है सेक्शन 144 धारा 144 को इंपोज करने की। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आते हैं ड्यूअल कमांड सिस्टम में और कमिश्नरेट सिस्टम में। अब सवाल यह है कि वाई टू इंट्रोड्यूस कमिश्नरेट सिस्टम इन भोपाल एंड इंदौर, मध्य प्रदेश सरकार क्यों भोपाल और इंदौर में यह सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहती है, इस विषय को समझेंगे। वेरियस कमिटीज हैव सुजेस्टेड पुलिस रिफॉर्म्स एंड रिकमेंडेड पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इन सिटीज विच हैव पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख। तो अलग अलग कमिटीज, आप जानते हैं पुलिस संबंधित पॉलिसीज में सुधार लाने के लिए सरकार अलग 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 कमेटियां बनाती है और बहुत सारी पुलिस रिफॉर्म कमेटीज ने यह रिकमेंडेशन दी है कि वो सारे के सारे शहर जहां पे बहुत तेजी से शहरीकरण हो रहा है, जहां पे अर्बनाइजेशन बहुत फास्ट है और जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, उन सभी शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव जो है वो काफी कमेटीज ने भी दिया और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि हाल ही में जब प्रधानमंत्री जी 56th डीजीपी कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने भी ये बात जो है वो कही थी। तो किसी भी एरिया की पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जाती है, अगर वो पॉपुलेशन 10 लाख क्रॉस करती है तो वहां पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। आपने सुना होगा दिल्ली में पुलिस कमिश्नर है, मुंबई में पुलिस कमिश्नर है, द कमिश्नरेट सिस्टम इज ऑलरेडी इन्फोर्स्ड इन वेरियस सिटीज इन 16 स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो देश भर के 16 राज्यों में अलग अलग शहरों में ये कमिश्नरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है और अब ये सिस्टम मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में भी शुरू किया जाएगा। तो बेसिक डिफरेंस है, एक जगह पे ड्यूअल कमांड सिस्टम है, एक जगह पे कमिश्नरेट सिस्टम है, क्या बेसिक डिफरेंसेस है वो मैंने आपको बताया। आई होप हमको विस्तार से समझ में आया होगा, क्योंकि पॉपुलेशन दोनों ही शहरों की 10 लाख से ज्यादा है। इंदौर इज मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ एमपी। इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे अधिक आबादी वाली वाला शहर है, करीब 32,72,000 की आबादी है। भोपाल जो है वो पांचवा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, करीब 23,68,000 जो है वो पॉपुलेशन है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोनों ही शहर जो है उनकी आबादी 10 लाख से, जो इंदौर है उसकी आबादी 10 लाख से 3 गुना से भी अधिक है और भोपाल की आबादी जो है वो 10 लाख से 2 गुना से भी अधिक है। तो इस वजह से इन दोनों ही शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, ये विस्तार में आर्टिकल जो है वो बात करता था। आई होप हमको ये आर्टिकल समझ में आया होगा और हम समझ पाए होंगे कि कमिश्नरेट सिस्टम और ड्यूअल कमांड सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है। अगर आप मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे जुडिशरी है, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन है, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर
प्रिपेयर कर पाएंगे। और स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज में प्राइस हाइक होने वाला है 1st of Jan से, तो उस प्राइस हाइक से पहले पहले इन कोर्सेज में एनरोल करें, सो दैट आपको एक्स्ट्रा पे जो है नहीं करना पड़े। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।